हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को काटना देख लेंगे। तो इस तरह से हमने कटहल को काट लिया है और ये एक छोटा पीस हमने रखा है जिसको कि हम देखेंगे कैसे काटते हैं। सबसे पहले हम कटहल के अंदर देखेंगे तो इस तरह से हार्ड सा पार्ट होता है जिसको कि काट के निकालना होता है और इस तरह से इसके ऊपर के छिलके को भी हम छील के हटा लेंगे। इस तरह से हमने इसके बीच के पार्ट को और ये ऊपर के छिलके को हटा लिया छीलकर। अब हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद हम बीजों को इस तरह से अलग करेंगे। बीज को निकालने के बाद इस तरह से बीज के ऊपर के छिलके को हम छील कर निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छे से सब्जी में पकता नहीं है और खाने के बाद इससे पेट में दर्द भी हो सकता है कभी कभी। तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। कटहल को हमने साफ करके ले लिया है। ये हमने आधा कप तुअर और चने की दाल जो पहले से हमारे पास बनी हुई थी बची है उसको यूज कर रहे हैं आज। आप चाहें तो जो भी दाल अवेलेबल हो आपके पास बची हुई उसको यूज करें या फिर सिर्फ चने की दाल को उबाल कर आप इस तरह से ले सकते हैं। पहले भी हमने कटहल की रेसिपी डाली है उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम दूसरे तरीके से बनाना देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से और बिना कटहल को उबाले बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आज हम सब्जी को कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपत्ता तोड़कर डाल देंगे, 1 छोटी इलायची हमने इसको क्रश कर लिया है इसको डाल देंगे, खड़े मसाले लगभग 30 सेकेंड तक हमने भून लिए हैं इसमें अब हम कटे हुए लहसुन डालेंगे 1 स्पून और 1 टीस्पून कटे हुए जिंजर भी डालेंगे। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा हम भूनेंगे इसका कच्चापन खत्म होने तक, लगभग 30 सेकेंड तक हमने इसको भून लिया है और आंच को हमने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। ये हमने एक प्याज को इस तरह से बारीक कट कर ले लिया है। प्याज को डालकर अच्छे से हम भूनेंगे। तो 2 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है। अब हम इसमें कटे हुए कटहल को डालेंगे। कटहल और प्याज को अच्छे से हम मिला लेंगे और सब्जी को हम ढक देंगे। सब्जी को ढककर आंच को हम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम आंच पे इसको 1 से 2 मिनट के बाद हम फिर से चलाएंगे। सब्जी को हमने 2-2 मिनट से इस तरह से चलाते हुए 3 बार लगभग 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट कर ले लिए इसको डाल देंगे इसमें। टमाटर डालने के साथ साथ ही इसमें अब हम मसालों को भी ऐड करेंगे। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक या नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसाले को डाल के अच्छे से हम सब्जी में मिक्स करेंगे।
यहाँ पे हम बची हुई दाल को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम बेसन को नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके पास दाल ना हो या फिर आप दाल ना यूज करना चाहें तो सिर्फ एक चम्मच बेसन डाल के मसाले के साथ अच्छे से भून लें, उससे भी सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हम इसमें अब दाल को डाल लेंगे। दाल को डाल के अच्छे से मसाले के साथ लगभग 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। साथ में ही हम 1 पिंच हींग पाउडर डालेंगे। कटहल को हमने दाल के साथ भी अच्छे से 2 मिनट तक मीडियम हाई आंच पे भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को डालने के बाद अब हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम हाई आंच पे पकाएंगे। कुकर में 4 सीटी आ गई है, गैस को अब हम बंद कर देंगे। कुकर से अब प्रेशर को हम निकलने देंगे, उसके बाद हम ढक्कन हटा के सब्जी को देखेंगे। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक के इस तरह से तैयार हो गई है। तो इस गर्मा गर्म कटहल की सब्जी को हम अब सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही परफेक्ट गर्मा गर्म कटहल की सब्जी बनके तैयार है, जिसको कि आज हमने कुकर में बनाया है। दूसरी तरीके से कैसे कटहल की सब्जी बनती है उसकी भी रेसिपी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। इस गर्मा गर्म सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल या फिर पूरी के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।